टॉप दड़ी, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, दुनिया का सबसे अच्छा जीवन आपकी मेहनत है और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका निश्चय है। इसलिए निश्चय करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ एजुकेटर, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चले नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 16 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने कल इसे मनाया था, यानी 15 मार्च को। क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसकी थीम क्या रही है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन की थीम है। अगर इस तरह की थीम और छोटी थीम है तो ज़रूर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हमने 14 मार्च को क्या मनाया था, तो 14 मार्च को हमने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया था। साथ ही साथ उसी दिन वर्ल्ड पाई डे भी मनाया जाता है। पाई जानते हो ना, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका एक मापन इकाई है। और 14 मार्च को ही हमने अल्बर्ट स्टाइन उनका बर्थडे भी मनाया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में आया था, ठीक है, यानी राइट्स के लिए एक अधिनियम आया था 2019 में। और ये लागू कब हुआ, तो 20 जुलाई 2020 को ये लागू हो गया। तो इसलिए आप अक्सर सुनते हो कि जागो ग्राहक जागो, तो ये इसी अधिनियम के अंदर है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय क्रिकेट फॉर्मेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। सोचिए, विश्व की पहली, वो कौन है, मिथाली राज। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वुमेंस पावर के लिए, बहुत ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल मिथाली राज। इन्होंने कितने मैच में 7000 रन बनाए हैं, तो 213 मैच इन्होंने खेला और 7000 रन बनाया। क्रिकेटर के सभी फॉर्मेट में 10000 रन बनाने वाली भारत की पहली है ये और दुनिया की दूसरी है, ठीक है, 10000। अगर पूछा जाए कि पहले नंबर पे कौन है, तो वो कौन है, शार्लोट एडवर्ड है, एडवर्थ है। तो उनका नाम याद रखिएगा, शार्लोट एडवर्थ, ठीक है, जैसे सारा लोट ऐसे याद रखिएगा, सारा लोट की 10000 ले गई। लेकिन अब मिथाली राज है, लेकिन शार्लोट फर्स्ट है, अब मिथाली राज है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वो है खबरों में रहा एक शब्द सुने होंगे, RH-560। ये क्या है, 560, ये क्या है, तो ये एक साउंडिंग रॉकेट है। और RH का मतलब क्या होता है, रोहिणी सीरीज है, नाम है ये, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये पृथ्वी के के ऊपरी जो वायुमंडल है ना उसका अध्ययन करेगा। और ये रोहिणी सीरीज का तीसरा संस्करण है। यानी पहला कब लॉन्च किया गया था, तो पहला हमने लॉन्च किया था 1965 में, और अभी हमने रिसेंटली सिंध नेत्र और अमेजन भी लॉन्च किया PSLV C-27 से। यह पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंटी डोपिंग शुल्क क्यों लगाया जाता है। एंटी डोपिंग शुल्क हम क्यों लगाते हैं, ये घरेलू उत्पादन का संरक्षण करता है, ठीक है। अब समझते हैं एंटी डोपिंग क्या होती है। जैसे कि अगर किसी भी अदर कंट्री से भारत में कुछ भी प्रोडक्ट आता है, तो उसके ऊपर अगर एंटी डोपिंग चार्ज नहीं लगा होगा, तो वो बहुत ही सस्ते में, जैसे हम फॉर एग्जांपल चाइना का लेते हैं, और वो बहुत ही सस्ते में इंडिया में बिक जाता है। जैसे मांझी, बहुत सारी चीज़ें ना चाइना के मल, और हमारे यहाँ भी बिकती है, लेकिन हमारे यहाँ भी महंगी होती है। तो वहाँ पे चार्ज बॉर्डर पे ही उस पे चार्ज लगा दिया जाता है, जिससे कि जो हमारे घरेलू बाजार है उसका हम प्रोटेक्शन कर सकें और चाइना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को हम रोक सकें। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और अभी हमने ये एंटी डोपिंग किस पे लगाया है, तो एक मेडिसिन है प्रोफोलोकोसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक विषाणु रोधक दवा है, ठीक है। तो इस पे हमने क्या लगा दिया है, इस पे एंटी डोपिंग लगा दिया है, शुल्क लगा दिया है। और ये कहाँ की मेडिसिन है, तो ये चाइना की है। अभी हमने चाइना के ऐप्स को भी बैन किया था, पहली बार 59 ऐप को बैन किया, फिर 47 ऐप को बैन किया, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी देख रहे हो IPL का जब हुआ बोली, तो उसमें वीवो को ही दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है,
किस शहर में देश का पहला, ठीक है, देश का पहला सेंट्रलाइज एसी रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। सोचिए, सेंट्रलाइज है और वो भी कैसा एसी है, और ये रेलवे स्टेशन है कहाँ पे है, बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अभी हमने कल के न्यूज़ में कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पढ़ा था जो कि ये भी बैंगलोर में है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन मेट्रो की शुरुआत की गई, और कैंपेगौड़ा क्यों किया था, क्योंकि भारत का पहला कार्गो एक्सप्रेस जो टर्मिनल है ना, वो यहीं इस पर शुरू किया गया है। अभी बेंगलुरु में ही पहला आपको फायर पार्क देखने को मिला, ठीक है। अब बेंगलुरु को हम किस किस नाम से जानते हैं, एक तो हम बगीचों के शहर के नाम से जानते हैं और सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि कार्गो एक्सप्रेस वे यहाँ पे, और फर्स्ट एसी, मतलब फर्स्ट फर्स्ट वाला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ये क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किससे संबंधित है, ठीक है। तो किसने जीता ये विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये मुंबई ने जीत लिया, और किसको हराया, तो ये उत्तर प्रदेश को हराया, यानी यूपी इसमें उप विजेता रहा है। और इसके कैप्टन कौन थे विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई के, तो ये थे पृथ्वी शाह। इनके लिए भी एक, मतलब इन्होंने भी एक कीर्तिमान स्थापित किया, वो क्या, यह एक ही ट्रॉफी में 800 रन बनाया। सोचिए एक ही ट्रॉफी में, यानी विजय हजारिका ट्रॉफी में जो क्रिकेट से संबंधित है, इसमें इन्होंने कितना रन बनाया, 800। और इससे पहले एक सैयद मुकसद अली ट्रॉफी हुई थी जिसको किसने जीता था, तमिलनाडु ने जीता था। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है, ये है आपका 87 साल पहले, सॉरी क्या है, 80 साल पहली बार, 80 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा क्रिकेट का फॉर्मेट है जिसको कि 87 साल बाद रद्द किया गया, तो वो कौन सी है, रणजी ट्रॉफी है। कुछ हम इम्पॉर्टेंट जो क्रिकेट हैं उसको देख लें, ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का नाम, जैसे रणजी ट्रॉफी ये कब शुरू हुई थी, तो ये 1934 में हुई थी। फिर दिलीप ट्रॉफी 1961 में, विजय हजारिका ट्रॉफी 2002 से 2003 में, फिर देवधर ट्रॉफी 1973-74 में, ईरानी ट्रॉफी 1959 में, और सैयद मुकसद अली ट्रॉफी ये 2008 से 2009 में इसको क्या किया गया है, इसको खेला जा रहा है। तो ये क्रिकेट्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट जो इंडिया के हैं, इसका नाम याद रखिए। कई बार पूछ लेता है कि दिलीप हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित, ये सब क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है, ये है संगय वॉल्केनो किस देश में है, तो संगय वॉल्केनो कहाँ पर है, ये है इक्वाडोर में, और इक्वाडोर कहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका में है। इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एक एंडीज पर्वतमाला, मतलब पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, एंडीज पर्वत, ठीक है, साउथ अफ्रीका के किस भाग में, पश्चिमी भाग में, और ये लॉन्गेस्ट सीरीज है, ठीक है, मतलब बहुत लंबी है ये। अगर पूछा जाए कि इसकी सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट अकांकागुआ, नाम सुने होंगे। और जो इक्वाडोर है वो अब बाहर हो गया है OPE से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कि अगर पूछे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन है, तो वो कोटोपैक्सी है, ठीक है, वो भी इक्वाडोर में ही है। अगर पूछे लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो वो कौन है, हवाई द्वीप का है, जो कि माउंट मोवांग लॉस में है। अगर पूछे भारत का कहाँ पे है, तो बैरन द्वीप में, और बैरन कहाँ पे है, बैरन द्वीप, तो ये मिडिल अंडमान में है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम वर्ल्ड के मैप में देखें, ये आपका वर्ल्ड का मैप, जिसमें कि हम ऊपर की तरफ देखिए साउथ नॉर्थ अमेरिका, ये नीचे कौन सा, साउथ अमेरिका, और नीचे साउथ अमेरिका के ऊपर में देखिए रेड रंग से, ये है आपका इक्वाडोर, देखिए ये है इक्वाडोर, ठीक है। यहाँ पे आपको जीरो लाइन जो है गुजरती है, जो आपका जीरो डिग्री लाइन है वो आपका इक्वाडोर से गुजरती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसी तरह कैप्रिकॉन जो है वो भी इस लाइन से गुजरती है, देखिए, पर ये इक्वाडोर से नहीं गुजरती, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछ ली जाए आपसे कि अपनी बाउंड्री किन किन से शेयर करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अपनी बाउंड्री जो है वो कोलंबो और पेरू से शेयर करता है, तो ये दो कंट्री से शेयर करता है, और एक तरफ ये
आपके पैसिफिक ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दो कंट्री कोलंबो और पेरू और इक्वाडोर। अगर आपसे पूछे इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, क्यूटो। ठीक है, क्यूटो, वो टोक्यो मत समझो, क्यूटो है, देखिए QUITO क्यूटो। यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड पाया जाता है, तो पूछ सकता है गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे है, तो आपका यहीं पर है। ठीक है, यहीं पे आपका गल्फ ऑफ गैलापागोस भी पाया जाता है, देख ही रहे होगे मैप में, और कोलंबो और पेरू से अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है। ये मैप है, मैप को भी आप पॉइंट आउट करते रहिए कीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, किस राज्य ने WHO के डॉक्टर संख्या अनुपात को पूरा किया है, तो अभी बिहार ने पूरा किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अगर पूछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी बिहार ने पूरा किया है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार में ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका का अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वो है अमेरिका गारलैंड। ठीक है, अमेरिका गारलैंड। और ये अगर भारत का पूछा जाए अटॉर्नी जनरल, तो के वेणुगोपाल हैं, जिन्हें हम महान्यायाधीश के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है, तो बिल्कुल 76 नंबर का आर्टिकल जो है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में ही बात करता है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये प्रेसिडेंट के प्रयास पर्यंत ही रहते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ही चाहे जब इसके हटा सकता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, ये कौन सा शहर जो है वो भारत की EV राजधानी बन गया, यानी इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन गया। तो ऑफकोर्स कौन बना है, दिल्ली। अभी दिल्ली में सबसे बड़ा भारत का डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस वो एक हॉस्पिटल बनाया गया, वो कहाँ पे, दिल्ली में ही बनाया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन टॉप कर रहा है। तो अभी मनरेगा का एक सर्वे जारी हुआ, जिसमें कि हम देखें कि छत्तीसगढ़ ने टॉप किया, और किसको पिछाड़ा है, तो ये आपको यूपी को पिछाड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन में यूपी ने सबसे ज़्यादा मनरेगा में रोजगार दिया था, अब लेकिन छत्तीसगढ़ हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कितने लेखक हैं, टोटल 20। और ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 2020 जो है वो कितने लैंग्वेज में दी जाती है, तो 24 लैंग्वेज में दी जाती है। ये कितने हैं, 20 है। 20 को मत याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ होंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, मध्य प्रदेश में अनुगूंज 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ये किस कौन कर रहा है, तो ये स्कूली शिक्षा विभाग कर रही है। अभी यहीं पे MP में ही मिशन नगरोद कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नगरोदय कहाँ पे किया गया है, MP में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इसे गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन है, इन्हें हम गांधी बूढ़ी कहते हैं। तो ये है माता गिनी हजारा, तो इनका नाम याद रखिएगा, माता गिनी हजारा को हम बूढ़ी गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसे LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया गया है, तो ये UN संसद ने यूरोपियन यूनियन को घोषित किया है। अब ये क्या होता है भाई, L से हो गया लेस्बियन, G से हो गया गे, B से हो गया बाइसेक्सुअल, T से हो गया ट्रांसजेंडर, I से हो गया इंटरसेक्स, और Q से होगा क्वेयर, तो इनका नाम याद रखिएगा, इन्हीं को कहा जाता है। तो पोलैंड द्वारा देश में बनाई जा रही LGBTIQ फ्री आइडियोलॉजी फ्री जोन के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हुए ये ऐसा काम यूरोपियन संसद ने किया है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये क्या मतलब किसने किया है और क्या है ये, तो अगर पूछा जाता है, ठीक है। और अभी बहुत से यूरोपियन संघ के खुद ही ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने समलैंगिकता को मान्यता दी है, इवन भारत में इसको ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा वह धारा 377। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, PwC
के ग्लोबल सीईओ सर्वे में के मुताबिक दुनिया के सबसे अधिक आकर्षण ग्रोथ डेस्टिनेशन में भारत का क्या स्थान है? तो अभी ग्रोथ डेस्टिनेशन भारत का पांचवा स्थान है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये कौन सा एडिशन है? ये 25 नंबर का एडिशन है, तो याद रखिए। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल सीईओ के द्वारा एक सर्वे रिपोर्ट है, तो इस तरह की जब भी इंटरनेशनली या ग्लोबल तरीके से जब बनाई जाती है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस पॉइंट को हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी फैमिली इसे बनाइए। थैंक यू वॉच फॉर इट।